फ्रेंड्स, इंग्लिश बात करना आजकल बहुत बड़ी समस्या हो गई। हर जगह यहाँ पर देखो इंग्लिश में सब बात करते हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर जरूरत जरूरत हो गई है। जैसे कि हम इंटरव्यू में जाते हैं, यहीं पर भी हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हमारा ज़रा वैल्यूएशन होता है हमें। इसलिए इंग्लिश के बारे में मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ। और जैसे कि हम कोई भी लाइन्स बनाते हैं, कहाँ पर हम नेगेटिव लाइन्स बनाते हैं, जैसे हम हिंदी में कहते हैं हम नहीं, ये काम हम नहीं कर रहे, लेकिन इंग्लिश में कहीं से हम लोग नॉट, इधर नॉट बोलते हैं, कहीं डिड नॉट बोलते हैं, कहीं डू नॉट बोलते हैं, कहीं विल नॉट, कभी आर नॉट, तो अलग अलग तरह टाइप्स के लाइन्स बनते हैं। तो इस टाइप्स के अलग टाइप्स के लाइन्स कैसे बनाएं, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाऊँ, ताकि सब जिसके भी कुछ लाइन्स बनाने की समस्या है हम उसको सॉल्व कर सकें। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आप अलग अलग तरह टाइप के इंग्लिश में लाइंस बना सके। मेरा नाम है श्रवण आर्य, और आप इस चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकन भी दबा दीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम आते हैं मेकिंग सेंटेंसेस में। जैसे कि हम लाइंस बनाते हैं, तो सब लाइंस बनाते वक्त इसमें तीन प्रकार के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो ये टेंसेस के हिसाब से ही लाइंस बनते हैं नॉर्मली। तो जैसे कि प्रेजेंट टेंस में हमें चार प्रकार होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और वैसे ही पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे सेम फ्यूचर में भी इसी तरह का टेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार के हमें लाइंस बनाने हैं, जिस मतलब इस तरह के टोटल 12 टाइप के लाइंस आपको बनाने हैं। तो सबको मैं आपको इसको हिंदी के बेस पर आपको लाइंस बनाना बताऊंगा कि हिंदी में कैसे लाइंस बनते हैं और उसको कैसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक एक करके काल के प्रकार में एक एक करके हम बड़े बड़े प्रेजेंट टेंस में आएंगे, फिर पास्ट टेंस में आएंगे, फिर फ्यूचर टेंस में आएंगे। और इस लाइंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की जरूरत पड़ती है, मतलब क्रिया की तीन अवस्थाओं को हमें याद रखना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल के लिए दिए हुए हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस में ये दिया हुआ है, प्रेजेंट पास्ट टेंस में दिया हुआ है और पास्ट पार्टिसिपल में दिया हुआ है। मतलब ये आपको लाइंस बनाने के लिए ये तीनों आपको अवस्था याद होने चाहिए आपको, तब आपका लाइंस आप बना सकते हो। जैसे कि काल की पहली अवस्था है ये प्रेजेंट टेंस, इसमें दिया गया गो, और काल की दूसरी यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिया हुआ है पास्ट, पास्ट टेंस में होता है। और ये पास्ट पार्टिसिपल मतलब होता है भूतकाल की अंतिम अवस्था, मतलब वर्तमान काल, भूतकाल और भूतकाल की अंतिम अवस्था। तो इस तरीके से आपको ये तीनों लाइन्स याद रखने हैं। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वो दिया गया है प्रेजेंट टेंस में, उसको पास्ट टेंस में होता है वेंट, और उसका थर्ड फॉर्म में भूतकाल की अंतिम अवस्था में होता है गॉन। जैसे कि गो का हिंदी में हम बोलते हैं जाना, और वेंट मतलब गया, और गॉन मतलब जा चुका था, इस तरह के इसका मीनिंग है। बराबर, जैसे कि टेक लेना, और टुक लिया, और टेकन मतलब ले चुका था। बराबर, और जैसे गिव देना, गिव दिया और गिवन दे चुका था। रीड, इसमें रीड का तो तीनों फॉर्म में वही होता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हमें अलग करना है। रीड आर रीडी रीडी होता है, लेकिन हम इसको यहाँ पर पास्ट टेंस में रेड पढ़ेंगे, रीड रेड और रीड। तो रीड पढ़ना, पढ़ा और पढ़ चुका था। तो इस तीनों फॉर्म को आपको याद रखना है। मैंने एक सैंपल के तरीके से आपको ये सिर्फ आपको चार पॉइंट दिए हैं, इसके अलावा आप इसमें बहुत सारे आप याद कर सकते हैं, इसमें अवेलेबल हो सकते हैं। इसमें आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल दे दूंगा, तो आप और आपको कुछ भी इसमें कुछ सवाल होगा तो आप मुझे इस कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं, कुछ भी जो आपको डाउट है तो इसका सवाल को मैं जवाब दूंगा। अब हम यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस के पहले का पहला प्रकार प्रेजेंट सिंपल टेंस में किस तरह के से लाइंस बनाना है इस पर आएंगे, और इसमें हम लाइंस बनाने का सीखेंगे।